पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, जो स्टोमाटा है उनका क्या फंक्शन है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जो आउटरमोस्ट लेयर होते हैं सेल्स के उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, एंड इज वेरी पोरस, और ये कैसे होते हैं, बहुत सारे इनमें पोर्स पाए जाते हैं, मतलब छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पोरस। ठीक है, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, और इन पोर्स को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ छोटा छोटा पोर्स दिख रहा है आपको, ये देखिए छोटा छोटा पोर्स दिख रहा है, छोटा छोटा छिद्र दिख रहा है, यहाँ भी देख लीजिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। दीज स्टोमाटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, और ये स्टोमाटा क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन में सहायक है, मतलब जो वाटर वेपर जो बनते हैं, वाटर के जो कण होते हैं वो यहीं से एवोपरेट होते हैं, मतलब यहीं से निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और जो देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, यहाँ से O2 भी निकल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए ये जो क्लोज्ड स्टोमाटा है वो आपका थोड़ा बंद रहेगा, और यहाँ देखिए कुछ ओपन स्टोमाटा है, ये देखिए स्टोमाटा क्या है, ओपन है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया, और यहाँ से देखिए ऑक्सीजन निकला, और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे वाटर कैसे निकलता है, यहाँ देखिए यहाँ दिखाया गया है वाटर कैसे निकलता है, और वाटर निकलने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और ये है आपका एपिडर्मिस, ये जो पत्ता है, पत्ता का जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ये सारा आपका क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस, जो सेल्स का जो सबसे बाहरी परत होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, एंड इज वेरी पोरस, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे छिद्र होते हैं। दिस स्टोमाटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, और यही स्टोमाटा क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं और गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें हमारे इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।